सबसे पहले आप सबको और आपका माध्यम से अरुणाचल एवं सेकंड अरुणाचल इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को मैं प्यार बड़ा नमस्कार। और मैं आज अभी आपका सवाल में आता हूं। कल हम लोग का एमपी इलेक्शन का जो रिजल्ट परिणाम कल निकाला गया, उसमें मेरा हार हुई है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, मैं जो भी अरुणाचल इस पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने हमको प्यार और मोहब्बत दिया, उन सभी को मैं तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद प्रदान करता हूं। यहां खासकर हमारे जो अनडिवाइडेड सियांग में, यानी कि आदि बेल्ट में, हम एक जगह पर भी नहीं हारे। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा जीत हुई है। आप यिंग्क्योंग, मारियांग, पांगिनबोलेंग, पासीघाट, इवन नारी कोयू लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट दामबुक, वहां तो मेरा बहुत अच्छा परिणाम हुआ, जीत मिली है। और यहां तक तो सीमित नहीं, तिराप चांगलांग में भी मेरा अच्छा हुआ और बाकी जगह में भी अच्छा हुआ। ऐसे बात नहीं कि सिर्फ अडीबेल ने हमको वोट दिया, ऐसे बात नहीं, सब अरुणाचल वासियों ने, अरुणाचल के लोगों ने हमको प्यार दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से फिर से उन सबको धन्यवाद देता हूं। रही बात अडीबेल में, ज्यादा जो उन लोग ने उत्साहित दिखाया कि कहीं भी हमको हार नहीं मिला, क्योंकि सबने उन्होंने हम कहीं भी गया ही नहीं, और ज्यादातर लोगों से हम बातचीत करने का समय नहीं मिला, तो भी उन्होंने वॉलंटरीली अपने से निकल के मुझे वोट डाला और मुझे भारी बहुमत से वोट दिया है। लेकिन यहां जीत तो सब आकरा होने के बाद ही, कैलकुलेशन के बाद ही जीत हार होती है। लेकिन मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, जिस ढंग से मेरा होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट और खासकर अडीबेल ने हमको फेट मेरा ऊपर किया, विश्वास किया, क्योंकि उन लोग चाहता है कि बोसराम जैसा एक नेता पार्लियामेंट में जाकर यहां का समस्या के बारे में, अरुणाचल का समस्या के बारे में, खासकर जो भी है हम लोग यहाँ मुद्दा अभी हाल ही में हो रही है, ये सबको अच्छी तरह हुआ पेशकस कर पाएगा, ये उन लोग का मेरा ऊपर विश्वास था, इसीलिए इतने भारी बहुमत से हमको जीत दिलाया। तो इसीलिए खासकर अपर सियांग के लोगों को और सियांग के और इस सियांग लोअर सियांग और लोअर दिबांग वैली तिराप चांगला टीसीएल एरिया और अंजोल हित तेजू रोइंग सब एरिया अनिनी के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सबने हमको वोट दिया, अगर उन लोग वोट नहीं देता, मैं लाखों से ऊपर वोट नहीं मिलता, तो वोट सबसे मिला है, उसमें कोई प्रायोरिटाइज नहीं है, सबने मिलकर वोट दिया। इसके लिए मैं उन सबको मेनी मेनी थैंक्स और सोचता हूँ आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। जैसे सर, सब बहुत से जगह है जहाँ से आपको वोट बहुत कम मिला सर, तो वहां पर से क्या चूक हो गया था कि जो आप वहां पर? एक्चुअली जब मैं हाईकमान ने हमको, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय मल्लिकार्जुन जी एआईसीसी प्रेसिडेंट एंड माननीय मैडम सोनिया जी, माननीय प्रियंका जी हाईकमान ने, और यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो प्रेसिडेंट नाबम तुकी जी और हमारे जितना भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण लोगों ने जो निर्णय किया कि
इस बार ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बोसीराम को पार्लियामेंट के लिए दौड़वाना है, तो उन लोगों ने जब हमको इशारा दिया और टिकट भी दिया और लड़ने का मौका दिया, तो ऐसा सुनने का बाद खासकर कुछ जिलों में ईसा आदमी जबरदस्त मेरा सपोर्ट में निकल गया। तो ये देख के रूलिंग डिस्पेंसेशन ने सोचा कि अगर बोसीराम को फिरी छोड़ देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, हमारा तीन सिटिंग एमएलए को रातों रात ले गए बीजेपी का पक्ष में, और वो भी हमारा अडीबेल से आते हैं, दो अडीबेल से और दूसरा जगह से भी आते हैं, उन लोग को अगर लेने से बोसीराम कमजोर हो जाएगा, यही सोच के फिर उनको ले लिया। उससे थोड़ा मेरा नुकसान हुआ, लेकिन परिणाम का मुताबिक नुकसान तो कुछ हुआ, लेकिन ज्यादा लोगों ने मैंने जागरूकता होकर हमको प्यार दिया। और जहां मैं कल को का जो जो काउंटिंग का मुताबिक जिस जगह पे जिस जिलों में हमने हार का जो मैंने देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, वो जगह में एक्चुअली हम लोग ने टिकट दिया गया था, रोइंग में किसी को टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का तरफ से, अंजो में दिया गया था, देन आपका सोकाम में दिया गया था वाका और सोकाम में, देन आपका उसमें नामसाई में दिया गया था और वहां लॉन्गडिंग में दिया गया था, फिर कनुबारी में। तो उन्होंने क्या किया, सबको रातों रात उन सबको ले गया, किडनैप कर दिया। कारण क्या है उन लोग को पता है, मुझे तो पता नहीं। उसमें देखा है कि एक नहीं गए साथ में, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई कोई, ब्लॉक प्रेसिडेंट और उनका जितना भी समर्थक हो वो लेके चला गया, और चुनाव के दौरान हम उन लोग को तलाश करते करते हैरान हो गया, मिला भी नहीं। आज तक हम उस दिन का घटना का बाद आज तक हम मिला नहीं, फोन से भी बात करने कोशिश करने से स्विच ऑफ निकलता है। तो उन लोग को क्या जादू कर दिया कि कांग्रेस छोड़ के सब चला गया, और जितने भी बड़े बड़े नेता जैसे कि जनरल सेक्रेटरी स्टेट स्तर पर जो ऑफिस बियरर है उन सबको भी ले गया, मैंने बीजेपी में ज्वाइन करा दिया। उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, जो हमने कोई कोई जिलों में ज्यादा हार देखना पड़ा, वजह यह है कि वहां मेरा प्रतिनिधि नहीं है, कार्यकर्ता सबको भी ले गया, लेकिन आम जनता ने मुझे प्यार दिया। उन लोग प्यार देने का वजह से मैं जो भी कुछ जितने वोट मिला है उन सब का बदौलत मैं मिला हूं, तो इसीलिए उन सबको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।